हाय फ्रेंड्स, मेरी इस छोटी सी बोंगो किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कांदा भजी। यह बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनती है। इसे हम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक कांदे का आगे वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को काट लेंगे। फिर हम इसे बीच में से काट लेंगे और इसका छिलका को हम निकाल लेंगे। छिलका निकाल लेने के बाद कुछ इस तरीके से काट लेंगे। इसे हमें पतले पतले पीसेस में काट लेना है, वरना यह क्रिस्पी नहीं बनेगी। काट लेने के बाद हम इसके लेयर्स को खोल लेंगे। कांदे को कुछ इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। काट लेने और खोल लेने पर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से हम 6 कांदे को कट करके इनका लेयर को अलग कर लेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब कटे हुए कांदे में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक दीजिए। अब नमक और मिर्ची को कांदे के साथ अच्छे से मिलाना है। इसे हल्के हल्के मिक्स कीजिए ताकि कांदा जो है वह अपना पानी छोड़ना शुरू करे। यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कांदे से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ मैं 1 कप बेसन का इस्तेमाल की हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कांदा लेंगे तो आपको उस हिसाब से बेसन को ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अपने हाथों को पानी में डिप कीजिए और छोटे छोटे पोर्शन लेके गरम तेल में इसे डाल दीजिए। इसे गोल गोल ना बनाएं, नहीं तो यह क्रिस्पी नहीं बनेगी। याद रखिए, तेल ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम में 2 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो जाने पे हमें इसे निकाल लेना है। फ्राई करते वक्त बैटर पानी छोड़ेगा, तो उस वक्त बैटर में थोड़ा सा बेसन डालकर ड्राई कर लीजिए। कुछ इस तरीके से बाकी बचे हुए बैटर को भी फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा, भज्जी को धीरे धीरे मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम में फ्राई करने से यह नरम हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने सारे भज्जी को फ्राई कर लिया है। अब हम चाय बनाएंगे। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और भज्जी का एक अलग ही मजा है। यहाँ हमने चाय बना ली है। अब हम कांदा भाजी को चाय के साथ सर्व करेंगे। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और पसंद आई तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।